Welcome to DigiFortech. Please subscribe and press the bell icon. Microsoft Edge Browser में Mac के लिए Canary और Developer को build available download आ चुका है. आप चाहे तो इसे Mac OS के लिए use कर सकते हैं download करके. OnePlus 7, 7 Pro को confirm कर दिया गया है कि इसमें Android Q का beta आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही ये phone launch हो जाएगा Indian market के लिए. Huawei का P Smart Z जो है डुअल कैमरा सेटअप के साथ आ सकता है. पॉपअप सेल्फी कैमरा, 4000 mAh की बैटरी और इसकी प्राइस हो सकती है 280 यूरो. इसमें आपको मिलेगा किरिन का 710 SoC और 6.5 इंचेस का LCD वाला डिस्प्ले, एंड्रॉयड 9 पाई, इमोशन UI वर्सन 9.0. Honor 20 Pro के कुछ लीक से ये पता चलता है कि ये मल्टी कलर वेरियंट पे आ सकता है. पॉपअप सेल्फी कैमरा रहेगा, ट्रिपल कैमरा रहेगा बैक पे, नॉचलेस डिस्प्ले रहेगा. एप्पल ने कहा है कि वो इंडिया पे अपना ऑफिशियल स्टोर खोलने के लिए लोकेशन ढूंढ रहे हैं. अभी तक उन्होंने ये तय नहीं किया है कि मुंबई में खोला जाए, बेंगलुरु में खोला जाए, या हैदराबाद में खोला जाए, या पुणे में खोला जाए. 5G स्पेक्ट्रम का ट्रायल किया जाएगा जून महीने में और इसे देखा जाएगा ये कितना सेफ है, किस स्पीड लिमिट पे है. और ये तीन कंपनी है, एयरटेल, वोडा आइडिया, रिलायंस जियो, ये तीन नेटवर्किंग कंपनी इसे टेस्ट करेंगी. और हार्डवेयर कंपनी है सैमसंग, नोकिया एंड एरिक्सन के हार्डवेयर डिवाइस पे बेस्ड इसे चेक किया जाएगा. गूगल मैप को का नया वर्सन आने वाला है या अपडेट आने वाला है ऑगमेंटेड रियलिटी सपोर्ट के साथ में. अब आप जैसे कि मैप ट्रेवल करेंगे तो आपको ऑगमेंटेड रियलिटी के हिसाब से डायरेक्शन शो किया जाएगा आपके कनेक्टिंग डिवाइसेस के डिस्प्ले पे. न्यू एंड्रॉयड ऐप है ना, ये जो है जितने भी अब नए एंड्रॉयड ऐप आएंगे एंड्रॉयड क्यू पे, वो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली डिज़ाइन किए जाएंगे कि वो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा सिक्योर रहें. सैमसंग ने अपना वापस टॉप पोजीशन गेन कर लिया है वन प्लस को बीट करके फ्लेक्सिब मार्केट के लिए. बट अभी मिड रेंज मार्केट, बजट मार्केट पे तो सौमी ही नंबर वन पे है और टॉप के प्रीमियम कैटेगरी पे सैमसंग ने इंडियन मार्केट पे वापस गेन कर लिया अपना मार्केट शेयर सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज के लॉन्च होने से. सौमी टीज कर रहा है कि वो लाने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप वाला कोई फोन. और मेरे एग्जाम्पल से ये फ़ोन हो सकता है Xiaomi का Mi A3, जो कि एक 700 सीरीज़ के प्रोसेसर के साथ आएगा. एग्जाम्पल 730 या 730G SoC के साथ ये आ सकता है. हैकर ने टोटल $41 मिलियन का बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के इसे एक्सचेंज करके ले लिया है, यानी कि 286 करोड़ रुपए. वही रैमसन वेयर, ये आपका सिस्टम लॉक कर दिया जाएगा, ये कर जाएगा, ऐसे चीट करके हासिल किया हुआ पैसा है. मोटोरोला का मोटो वन विजन ये लॉन्च हो सकता है 15 मई 2019 को. इसमें एक्सिनोस 9610 वाला प्रोसेसर मिलेगा, 3500 mAh की बैटरी मिलेगी, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और ये लॉन्च होगा ब्राजील पे. रियलमी एक्स कंफर्म हो चुका है, इसमें आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, सोनी का IMX586 सेंसर वाला. ये वही कैमरा है जो आपको मिलता है रेडमी नोट 7 प्रो पे. ये लॉन्च हो सकता है 15 मई 2019 को. इसमें 6.5 इंचेस का डिस्प्ले रहेगा, 3680 mAh की बैटरी रहेगी, 6GB की रैम रहेगा और 6.3 इंचेस का LCD वाला डिस्प्ले रहेगा. रेडमी का फ्लैगशिप फोन भी आने वाला है, इसमें आपको मिल सकता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और 2 दिन का बैटरी बैकअप. इसमें 6.39 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलेगा. एप्पल टीम अप कर लिया है सैप के साथ ताकि वो अपने डेवलपर को साइलेंटली हेल्प कर सके आईफोन बिजनेस के एप्स को डेवलप करने के लिए. गूगल आईओ के में बहुत सारे चीज अपडेट हुए हैं, जैसे कि मैं आपको जल्दी से रिमाइंड करवा दूं कि गूगल आयो का अभी इवेंट चल रहा है, उसमें आपको आज के टेक न्यूज का मेजर पार्ट तो गूगल आयो से रिलेटेड ही मिलेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. गूगल अपने वन टच एक्सेस को, जो कि आप मल्टीपल अकाउंट थ्रू दी ओवर अदर डिवाइसेस पे जो आप कंट्रोल करते हैं, उसे इजी बनाने वाला है, जैसे कि सर्च, मैप, यूट्यूब एक्सेट्रा, गूगल एप्स को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लाने वाला है. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस.
हाँ ये भी लाने वाला है। इसकी फीचर से आपको जल्द ही नए फीचर का अपडेट देखने को मिल जाएगा। डायसन का V11 वैक्यूम क्लीनर लॉन्च हो चुका है एक LCD डिस्प्ले के साथ। ये एक इंटेलिजेंस वैक्यूम क्लीनर है जो आपको एट अ टाइम रियली ये बताएगा कि आपके इन्वॉल्वमेंट पे कितना डस्ट है, पार्टिकल है वगैरह वगैरह, इस टाइप के एक्सप्लेनेशन के साथ ये लॉन्च किया गया है। इसकी प्राइस रखी गई है 53,000 रुपीज़। 2019 का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का जो नया अपडेट आने वाला है, जिसे एक कोड नेम के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 19H1, इसमें आपको फुल लिनक्स कर्नल का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वर्जन रहेगा 4.9 LTS वाला वेरिएंट का। अभी तक आपको लाइट वेरिएंट देखने को मिलता था, सेमी कंट्रोल लिमिटेड वेरिएंट लिनक्स का। एक्चुअली सी सी प्लस प्लस मेजर पार्ट रहते थे और लिनक्स सेकेंड पार्ट पे रहते थे। गूगल ने बोला है कि वो भी फोल्डिंग स्मार्टफोन बनाएगा, लेकिन ये क्लियर कर दिया है गूगल ने कि आप जल्दबाजी का एक्सपेक्ट ना करें, हमारा स्मार्टफोन जो है फोल्डेबल वाला वो काफी डिले लॉन्च हो सकता है। नेक्स्ट हब ने कहा है कि 10 इंच का जो HD वाला स्क्रीन है उसपे गूगल को ऑपरेट करके दिखाया है गूगल का स्मार्ट डिवाइसेस के लिए। अब इसमें आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाएंगे प्राइवेसी रिलेटेड, और इसकी प्राइस रखी गई है 16,000 रुपीज़, यानी कि $230 US मार्केट के लिए। गूगल ने फाइनली अपडेट कर दिया है अपने एंड्रॉयड वर्जन के मार्केट शेयर से। अब इस अपडेट शेयर के चार्ट मैप से ये पता चलता है कि एंड्रॉयड 9 पाई ओवरऑल ग्लोबली मार्केट पे 10% मार्केट शेयर के साथ आ गया है। गूगल मैप में अब आपको इनकॉग्निटो सर्च का मोड मिल जाएगा ताकि आपकी प्राइवेसी को हर्ट बिल्कुल ना हो। ऐसा कंपनी ने कहा है कि हम अपने कस्टमर की प्राइवेसी को ज़्यादा फोकस करते हैं। व्हाट्सएप का विंडोज OS वाला यानी कि विंडोज मोबाइल के लिए सपोर्ट बंद होने वाला है 31 दिसंबर 2019 पे, व्हाट्सएप ने कंफर्म कर दिया है। चाहे आपके पास विंडोज 8 हो या फिर विंडोज 10 वाला विंडोज फोन अवेलेबल हो। वेमो जो कि गूगल का सेल्फ ड्राइविंग कार यूनिट है, वो पार्टनर अप कर रहा है लिफ्ट पार्टनर के साथ ताकि सेल्फ ड्राइविंग कार के एग्रीमेंट पे इन्हेंसमेंट किया जा सके US मार्केट के लिए। गूगल ने कहा है कि वो क्रोम ब्राउजर के प्राइवेसी को काफी बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर रहा है, एड ट्रांसपेरेंसी बना रहा है AI सॉफ्टवेयर की मदद से, ताकि आपको फ्यूचर पे एड प्रूफ या आपके ट्रैकिंग के ऐसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। एंड्रॉयड क्यू के Beta 3 वेरिएंट पे आपको 21 मोबाइल डिवाइसेस का, जो कि 13 ब्रांड के तरफ से आता है, इस पे आपको बीटा टेस्टिंग का सपोर्ट मिल चुका है। इसकी प्रॉपर लिस्ट गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पे अनवील कर दी गई है। अगर आपका हैंडसेट इस लिस्ट पे आता है और आप इंटरेस्टेड हैं कि आप एंड्रॉयड क्यू के Beta 3 वर्जन को टेस्ट करें, तो आप जाके बेसिकली टेस्ट कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट अब बहुत ज़्यादा यानी कि 10 टाइम फास्टर परफॉर्मेंस करने लग गया है, ऐसा गूगल ने कहा है कि हमने इसे इम्प्रूव किया है। डुप्लेक्स को भी इम्प्रूव किया गया है वेब इंटरफेस के साथ, और भी बहुत सारे ऐसे नए नए फीचर्स गूगल ने शोकेस किए हैं अपने IO 2019 पे। गूगल के IO 2019 पे गूगल ने ये बताया है कि सर्च के लिए AR रिजल्ट जो है लेंस, यानी कि गूगल लेंस जो है, इसे भी इम्प्रूव किया गया है। अब आप इसकी मदद से गूगल लेंस को आप जैसे किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ऊपर शोकेस करेंगे, तो वो जल्द ही इजिली और परफेक्टली आपको अच्छे से रिजल्ट शोकेस सर्च करके देगा। गूगल Pixel 3a XL लॉन्च हो चुका है। इसकी इंडियन प्राइस रुपीज है, 3a को लॉन्च किया गया है 4GB 64GB वाला 40,000 रुपये में, और 3a XL को लॉन्च किया गया है 45,000 रुपये में। इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम Snapdragon 670 SoC, और आपको ओरिजिनल गूगल Pixel 3 और 3 XL का फ्लेक्सिप वाला कैमरा मिलेगा। एंड्रॉयड स्टॉक एंड्रॉयड तो मिलेगा ही आपको, बेस्ट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, बट आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगा यानी कि पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलेगा, ग्लास बॉडी नहीं मिलेगा। 3700 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, 18 वॉट का डब्बे में ही आपको फास्ट चार्जर दिया गया है। इसके अलावा कुछ कुछ चीज कम की गई है, बेसिक चीजें, बट मेरे अकॉर्डिंग प्राइस अभी भी टू हाई है इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग। अगर आपको 40 और 45,000 में क्वालकॉम Snapdragon 670 SoC वाला प्रोसेसर मिलता है, वो भी मार्केट में सिर्फ एक ही वेरिएंट के साथ, जो कि है 4 GB RAM और 64 GB स्टोरेज के साथ,
आपको इसमें एडिशनल कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जैसे कि 6 GB, 128 GB वेरिएंट। आसूस का ज़ेनफोन 6 लॉन्च हो सकता है 16 मई 2019 को बार्सिलोना स्पेन में, और इसका प्राइस रखा जा सकता है 45,000 रुपये इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग। इसमें आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 SoC। AMD ने कहा है कि वो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर यानी कि सुपर कंप्यूटर बनाना चालू कर चुके हैं, और ये कंप्लीट हो जाएगा 2021 तक, और इसका नाम रखा गया है फ्रंटियर। इसमें आपको AMD का ही प्रोसेसर रहेगा, AMD का ही ग्राफिक कार्ड रहेगा, सब कुछ AMD के तरफ से आएगा, और ये नॉर्मल कंप्यूटर के कंपेयर पे या सुपर फास्ट कंप्यूटर के कंपेयर पे 50 टाइम्स बेटर और फास्ट परफॉर्मेंस आउटपुट आपको दे पाएगा। Honor 20 Pro के कुछ लीक से ये पता चलता है कि इसमें आपको 48 MP का रियर कैमरा देखने को मिल सकता है, 16 MP का वाइड एंगल कैमरा रहेगा, 8 MP का टेलीफोटो लेंस कैमरा रहेगा, और 2 MP का माइक्रो रहेगा। इसमें सोनी का IMX586 वाला 48 MP रहेगा, और इसमें 4-in-1 लाइट फ्यूजन सिस्टम रहेगा, यानी कि चारों कैमरा के सैंपल्स को कंबाइन करके फ्यूजन इफेक्ट के थ्रू आपको डिजिटली इनहेंस किया जाएगा, और AI के मदद से आपको एक बेहतर कॉम्बिनेटेड पिक्चर आउटपुट दिया जाएगा। ये लॉन्च हो सकता है 21 मई 2019 को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड पे अब आपको AI पावर्ड एडिटर का अपडेट आ चुका है 2019 वाले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे फिलहाल एट प्रेजेंट, यानी कि आपको इसका मजा लेने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस 2019 के एमएस वर्ड को यूज करना पड़ेगा। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये एक ग्रामर इंटेलिजेंस है, एआई के पावर से आप जो भी टाइप करेंगे उसे ग्रामर डिक्शनरी के थ्रू यानी कि ट्रांसलेटर के थ्रू आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट किया जाएगा। एलेक्सा में फाइनली विंडोज 10 पे आपको हैंड फ्री एलेक्सा का सपोर्ट आ चुका है, अब आप एलेक्सा का मजा ले सकते हैं विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, वो भी हैंड फ्री इंटरफेस के साथ। बस आपको कमांड ही यही बोलना है, हे एलेक्सा। गूगल ने रीमेम कर दिया है अपने एंड्रॉयड ऑटो इंटरफेस वाले को डार्क मोड के साथ। अब आप अगर कार में ट्रेवल कर रहे हैं, GPS पे आप लोकेशन सेट कर रहे हैं, तो आपको एक तो ब्लैक मोड मिलेगा, स्पॉटिफाई का MP3 सॉन्ग सपोर्ट भी मिल चुका है, आपको वॉइस कमांड भी मिल चुका है, आप कॉल रिसीव वगैरह भी कर सकते हैं, सब कुछ सिर्फ एक ही ऐप के थ्रू। Honor 20 Lite ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च हो चुका है मलेशिया में 16,000 रुपए में। इसमें आपको 128 GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है, 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। अब देखना ये होगा कि इस फोन को ऑनर इंडियन मार्केट पे लाता है तो किस प्राइस पे लाता है या फिर नहीं लाता है। Realme X को स्पॉट किया गया है, ये एक फ्लेक्सी ग्रेड का प्रोसेसर हो सकता है, यानी कि फोन हो सकता है। इसमें 91.2 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, पॉपअप सेल्फी कैमरा है। अब देखना ये होगा कि ये किस प्राइस बजट पे आता है। मेरे ख्याल से ये आपको आ सकता है 20,000 के प्राइस बजट पे, और 15 मई 2019 को ये आ सकता है इंडियन मार्केट पे। Xiaomi का ब्लैक शार्क 2 गेमिंग फोन जो है इंडियन मार्केट पे जल्द ही लॉन्च हो सकता है, क्योंकि इसे स्पॉट किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड के BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, जो कि हमारा इंडियन, आपको बता दूं, इंडिया का एक वेबसाइट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, यही इसके थ्रू ही आपको सभी इलेक्ट्रॉनिक का सर्टिफिकेशन मिलता है, तभी आप इंडियन मार्केट पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक को सेल कर सकते हैं। इस फोन में आपको 855 SoC मिलेगा, लिक्विड कूलिंग वर्जन 3.0 मिलेगा, 240 Hz का रेस्पॉन्स रेट मिलेगा अगर आप टच करते हैं गेमिंग के दौरान, 90 Hz का रिफ्रेश रेशियो मिलेगा, और भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं, और इसके प्राइस लीक तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपनी प्राइस अकॉर्डिंग सजेस्ट कर सकता हूँ, ये आ सकता है 35K यानी कि 35,000 के आसपास ये फोन लॉन्च हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 जल्द ही लॉन्च हो सकता है, इसमें आपको पहले से बड़ा बैटरी मिलेगा, जो कि हो सकता है इस बार 4,500 mAh की बैटरी, 25 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ, और इसका एक 5G वेरिएंट भी आ सकता है। इसमें एक्जीनोस का 9825 वाला SoC हो सकता है, जो कि एक 7 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसिंग यूनिट रहेगा। सैमसंग गैलेक्सी के फोल्डेबल डिवाइस पे डिस्प्ले इशू आने की वजह से सैमसंग ने इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया है, और कहा है कि
इसके रीलॉन्च का डेट हम अभी कंफर्म नहीं करेंगे, और जो भी कस्टमर ने प्री ऑर्डर किया था उनका पैसा हम 31 मई 2019 के बाद रिफंड कर देंगे उनके बैंक अकाउंट पे। रेडमी का फ्लेक्सी फोन आ सकता है 13 मई 2019 को चाइनीज मार्केट पे के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 एसओसी के साथ। इसमें सुपर वाइड वाला कैमरा आपको देखने को मिल सकता है, 6.39 इंचेस का डिस्प्ले भी हो सकता है। ZTE का एक्सिनॉस एक्सॉन 10 प्रो 5G वेरिएंट और ब्लेड A7 लॉन्च हो चुका है। इसकी प्राइस की डिटेल अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ मिलता है, वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, 5G कनेक्टिविटी है, स्नैपड्रैगन 855 एसओसी है, और इसमें 3x का ऑप्टिकल जूम और 10x का डिजिटल जूम भी दिया गया है। रेडमी का एक नया फोन आ सकता है एक नए सीरीज के साथ, जिसका नाम हो सकता है K20 Pro। ऐसा कुछ स्क्रीन गार्ड के लीक से पता चलता है। इसमें आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 855 एसओसी, 6.39 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, 4000 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, क्विक चार्ज 4+ सपोर्ट के साथ मिलेगा। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी है। ट्विटर में अब आप ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं जीप और इमेज वीडियो के सपोर्ट के साथ। ऐसा नया अपडेट आ चुका है, आप चाहे तो टेस्ट करके इसे ट्राई कर सकते हैं। रियलमी एक्स को कंफर्मली लॉन्च होने का लीक आ चुका है 15 मई 2019 को, और रियलमी एक्स का एक यूथ एडिशन भी आ सकता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। अब देखना ये होगा कि ये पहले चाइना मार्केट पे लॉन्च होता है कि इंडियन मार्केट के लिए पहले लॉन्च होता है। Redmi Note 7 को स्पेस से ड्रॉप किया गया है, यानी कि 31,000 मीटर की हाइट से एल्टीट्यूड से इसे ड्रॉप किया गया, और इस टेस्ट को Redmi ने पास कर लिया है। 2019 वाले विंडोज 10 के नए अपडेट पे अब आपको एक इलेक्शन गार्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर देखने को मिल सकता है, जो सिक्योर करेगा इलेक्शन को। रेडमी के फ्लेक्सी फोन के कुछ लीक्स निकल के आए हैं। इसमें 256 GB का स्टोरेज हो सकता है, GPU ओवरक्लॉकिंग हो सकता है, वाइड एंगल कैमरा सपोर्ट हो सकता है, NFC रहेगा, 3.5 mm जैक भी रहेगा, और गूगल लेंस का मदद का भी सपोर्ट रहेगा इस पे 855 SoC के साथ। OnePlus 7 Pro पे आपको HDR10+ वाला डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, UFS 3.0 स्टोरेज के साथ। माइक्रोसॉफ्ट का नया सर्विस जो है ट्रांसक्राइब, ये एक मल्टी यूजर कन्वर्सेशन को रियल टाइम कन्वर्ट करके दिखा सकता है बिना किसी एडिशनल हार्डवेयर सपोर्ट के। माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड किया है 2019 का क्रोमियम बेस्ड वाला माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर। इसमें आपको कॉर्टेना का एक कस्टम स्किल एक्सपीरियंस मिल सकता है इंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए। Office 365 यूजर्स इसका मजा ले सकते हैं, और अगर आप विंडोज का इंटरप्राइज OS चलाते हैं, यानी कि विंडोज 10 का इंटरप्राइज एडिशन चलाते हैं, तो आपको ये अपडेट जल्दी देखने को मिल जाएगा। एप्पल ने कहा है कि वो नए ऐप लॉन्च करने वाला है और सॉफ्टवेयर में काफी चेंजेस करने वाला है, और इसे अनवील किया जाएगा WWDC 2019 पे। ओप्पो का PCDM10 डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ ग्रेडियंट फिनिश के साथ लॉन्च हो सकता है रेनो सीरीज के अंतर्गत, और इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 3950 mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। 2019 वाले आईफोन मॉडल पे आपको नया एंटीना लाइन देखने को मिल सकता है। ऐसा मिंग ची कुंग ने कहा है कि हम नए एंटीना लाइन को डेवलप कर रहे हैं ताकि बेटर कॉल रिसेप्शन आपको देखने को मिले। रतन टाटा ने ओला के इलेक्ट्रिक पार्ट पे इन्वेस्ट किया है ए राउंड पे, ताकि इंडियन मार्केट पे जल्द ही ओला का इलेक्ट्रिक व्हीकल कमर्शियल वे पे रोल आउट किया जा सके। एयरटेल टीवी का फाइनली एक वेब वेरिएंट भी आ चुका है, अब आप इसे वेब इंटरफेस के थ्रू भी जाके देख सकते हैं। बल्पोकुंड का BH01 नाम का एक अफोर्डेबल वायरलेस हेडफोन लॉन्च हुआ है 1700 प्राइस टैग के साथ, 300 mAh की बैटरी है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है इसमें। नोकिया 9 प्योर व्यू
जल्द ही इंडियन मार्केट पे लॉन्च हो सकता है क्योंकि इसे BIS के सर्टिफिकेशन पे देखा गया है, स्पॉट किया गया है। इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 SoC लास्ट ईयर का, इसमें पेंटा कैमरा सेटअप है। वन प्लस 7 Pro का प्राइस कुछ लीक होके आया है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस हो सकती है 50,000 रुपये और इसके टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस हो सकती है 58,000 रुपीज़। स्टार्टिंग वेरिएंट है 6 GB रैम 128 GB वाला। Xiaomi का एक कोडेड नेम वाला, हरकुलिस कोडेड नेम वाला एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन स्पॉट किया गया है। इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 SoC GPU ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट के साथ, और आपको मिलेगा इसमें 5G का भी सपोर्ट आ सकता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फुल डिस्प्ले, पॉपअप सेल्फी कैमरा एक्सेट्रा। Xiaomi ने कहा है कि 27.5 मिलियन स्मार्टफोन उसने सीक किया है Q1 2019 पे। स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में अब आप ISS का कार्गो को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है 6 मई 2019 को, जो कि 2,500 kg का था और ये सक्सेसफुल रहा है। Realme X के इंडिया लॉन्च इवेंट से ये कंफर्म हो सकता है क्योंकि इसे स्पॉट किया गया है अगेन BIS के सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। इसमें आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन 710 सीरीज का प्रोसेसर या फिर 730 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। 15 मई 2019 को ये लॉन्च हो सकता है। वन प्लस 7 Pro और वन प्लस 7 में आपको किसी भी तरीके का IP सर्टिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा कंपनी ने कंफर्म कर दिया है, क्योंकि IP सर्टिफिकेशन देना इस प्राइस बजट में पॉसिबल नहीं है, ऐसा वन प्लस का कहना है। अगर आपको IP सर्टिफिकेशन देना चाहिए तो आपको इस फोन का प्राइस और ज्यादा पे करना पड़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वन प्लस ऐसा बोल कैसे सकता है, क्योंकि वन प्लस के प्राइस 50,000, 55,000, 58,000 तक के फोन आ गए हैं और किसी भी प्रकार का IP सर्टिफिकेशन सपोर्ट वन प्लस नहीं दे रहा है। वहीं सैमसंग इसके जस्ट अपोजिट 40-45,000 के प्राइस बजट में भी आपको IP सर्टिफिकेशन दे रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे चैनल पे नए अपलोड किए हुए वीडियो का आपको इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।